आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा तीखी चना चाट। तो फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ के लिए चना बहुत ही अच्छा होता है। आज मैं कुछ अलग तरह से चना चाट बनाऊंगी जो सबको पसंद आएगा और खाने में टेस्टी और यम्मी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप चना, इसे मैंने रात में ही भिगो दिया है और ये अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर मैंने इसे कुकर में डाल दिया है और 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तब मैं ढक्कन को लगा देती हूँ और यहाँ पर मैंने इसे गैस पर रख दिया है। 2 सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। यहाँ पर 2 सीटी आ गया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही अच्छा से ये बॉयल हो गया है, ये देखिए। तब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज का बारीक टुकड़ों में प्याज को काट लिया है और यहाँ पर 2 मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया, उसको मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है और 1 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पर 2 मैंने हरा मिर्च लिया है, उसे मैंने बीच से चीरा लगा दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो इसे मैं साइड में अभी रख देती हूँ और इसके लिए मसाला मैं तैयार करूँगी जिससे ये बहुत ही खाने में चटपटा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने खड़ा मसाला लिया है, 12 मैंने लाल मिर्च लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गोलकी लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें धनिया लिया है। यहाँ पर पैन को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। सारे मसालों को मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम गैस पर इसे मिलाते हुए मैं भूंज लूँगी। जब तक भूंजेंगे तब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। ज़्यादा इसमें नहीं भूंजा फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा भून दीजिएगा तो ये कड़वा लगेगा मसाला, तो इसे हल्का ही भूंजना है। तो यहाँ पर मसाला रेडी हो गया है, तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे डायरेक्ट मिक्सी जार में निकाल लेती हूँ। ठंडा जब हो जाएगा मसाला फ्रेंड्स, तो मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेमी पैन रखा है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। तेल यहाँ गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज को। अब मैं इसमें डालूँगी हरा मिर्च को और 1 मिनट के लिए इसे मिलाते हुए मीडियम गैस पर भूंज लेती हूँ। हल्का सा प्याज नरम हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी कद्दूकस किया हुआ अदरक को और टमाटर को। दोनों को मैं 1 मिनट के लिए मिला लेती हूँ। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है फ्रेंड्स, बस हल्का सा प्याज और टमाटर दोनों नरम हो जाएगा तो मैं इसमें सूखा मसाला को ऐड करूँगी। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। सभी को मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है, तब मैं बॉयल किया हुआ चना को इसमें डाल देती हूँ और इसे भी मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं गैस को अब बंद कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी चना बॉयल है, इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो मसाला भूंज कर पीसा है वो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 नींबू का रस। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं नींबू का रस को निचोड़ देती हूँ, इसे ये बहुत ही चटपटा लगेगा। और यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का खीरा को बारीक टुकड़ों में काट के डाला है। सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो मैं आपको सब करके दिखाती हूँ। ये चटपटा काले चने के चाट फ्रेंड्स, घर पर एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बिल्कुल भी अगर आपके पास समय ना हो और जल्दबाजी हो तो झटपट ये बनाकर रेडी करके आप खा सकते हैं, बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। उम्मीद करते हूँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।